वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई, ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मिलन, एशिया टेलीकॉम से। तो आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का सेट है, यहाँ थोड़ा दिखाइए। इन्फिनिक्स का सेट है जो हाफ सोटिंग है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, खोलता हूँ सेट। जो कि हाफ सोटिंग है, यहाँ पर आपको इससे दिखाइए। ये दोस्तों देखिए, मेरा मीटर भी मेरे को है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा रीडर, ये देखिए यहाँ रीडिंग 480 के करीब। तो मैं जब उल्टाता हूँ तो आता है, ठीक है। ये हाफ सोटिंग है, ठीक है दोस्तों, देखिए। तो पहली बात, ये वाटर डैमेज भी नहीं है, फेयर बोर्ड है बिल्कुल। अत्यंत घुटे आया है, ठीक है। तो अब मैं इसका हाफ कोटिंग निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा इस डिश मशीन से, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव पर एक लाइन जोड़ चुका हूँ, जो मैं पॉजिटिव में दे रहा हूँ। और एक तो किराए है, मुझे कहीं भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये आईसी गर्म हो रही है, दिखा रहा हूँ। और भी करीब से दिखाइए, फ्रेश करिए थोड़ा, फोकस्ड कर दो, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैं जब भी डाल रहा हूँ ये पूरा मेल्ट हो रहा है। देखिए, तो मैं आज इस पावर एसी को चेंज करूंगा, नया पावर एसी लगाऊंगा, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, कैमरे को थोड़ा निकाल देता हूँ। तो अभी थोड़ा सीपीयू को गार्ड कर लेंगे, अभी हम पावर ऐसे निकालेंगे। दोस्तों हमारा पावर एसी निकल आया, ये देखिए। तो अभी हम थोड़ा यहाँ साफ कर लेंगे।
थोड़ा 3 मिनट तक वॉश कर लेंगे इसको। तो अभी यहाँ नया पावर एसी लगाऊंगा। पहले देख लेते हैं अभी शॉर्ट निकला या नहीं निकला, ठीक है, शॉर्टिंग निकला या नहीं निकला। ये देखिए 488, दूसरी तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरी तरफ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। तो हमारा पावर ऐसे शॉर्ट था इसीलिए शॉर्टिंग बता रहा था, हाफ शॉर्टिंग बता रहा था, ठीक है। यहाँ और ये रहा, ठीक। अभी मैं यहाँ नया पावर ऐसे लगाऊंगा। हमारा नया पावर है जी, अभी हम इसको लगाऊंगा। थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे, देख लेता हूँ थोड़ा। हमारा बैठ चुका है, थोड़ा कूल होने देंगे।
अभी सॉर्टिंग चेक करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने पावर आईसी चेंज कर दिया अभी, ठीक है, वॉश भी कर लिया। और दोस्तों जो मैंने पहले पावर आईसी लगाया वो भी शॉर्ट था, वो नया पावर आईसी था वो भी शॉर्ट था, ठीक है। तो मैं फिर से पावर आईसी एक लगाया तो अभी बिल्कुल भी शॉर्टिंग चली गई है। ये दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये मीटर को फिर से देखिए, एक तरफ कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है, एक तरफ रीडिंग है, ठीक, नॉर्मल रीडिंग जैसा ही है। तो अभी देखते हैं दोस्तों मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मुझे लगता है मोबाइल में बिल्कुल भी, क्योंकि शॉर्टिंग था इसलिए चार्ज नहीं है। देखा तो देखते हैं, दोस्तों ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम ऑन करेंगे इसको। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने पावर आईसी चेंज किया, कैसे शॉर्टिंग पकड़ा डीसी मशीन से। तो हम छोटी शॉर्ट भी हम डीसी मशीन से पकड़ सकते हैं। तो कैसे पकड़ना है, कैसे देखना है, वो सब जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टीट्यूट आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमारा सेट बिल्कुल भी चालू हो चुका है, ये देखिए इन्फिनिक्स। हाँ, तो मैंने पावर आईसी इसका चेंज किया, एक दूसरी दुकानदार से पावर आईसी कोई चेंज नहीं करता है तो मेरे पास आया। तो दोस्तों आपको सीखना है अच्छी तरीके से पावर आईसी चेंज कैसे करना है, रिवॉल्व कैसे करना है, एमसी प्रोग्रामिंग करना है कैसे, ठीक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नीचे नंबर भी शो हो रही होगी, तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसे ऑन होने देते हैं, हम देखते हैं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों पावर आईसी पूरा चेंज हो चुका है, सेट ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों हमने ईएमसी का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ईएमसी के हमारे नए क्लास में केवल 5 स्टूडेंट को रखा जाएगा, और अगर आपको आईसी निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसी रिवॉल्व करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टेड आईसी निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूअल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फ़ोन आते हैं और डैड फ़ोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डैड बोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फ़ोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फ़ोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीज़न है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम ईएमसी आईसी कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी ईएमसी आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमसी आईसी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी सेट से आप ईएमसी आईसी निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें ईएमसी आईसी के नंबर के हिसाब से, तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों ईएमसी अपग्रेड की बात करूँ या फिर ईएमसी यहाँ पर डैशबोर्ड रिपेयर की बात करूँ, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोर्स की फ़ीस हमारी काफ़ी कम है, अगर आपको कोर्स की फ़ीस जाननी है तो आप हमें, अगर आपको कोर्स की फ़ीस जानना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप एसएमएस कर सकते हैं, लिखिए ईएमसी डिटेल करके बस एसएमएस
SMS डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। हमारा पहला बैच 20 फरवरी को लग रहा है 5 स्टूडेंट के साथ में, और उसके बाद जो दूसरा बैच है वो हमारा लगेगा 10 मार्च को। तो दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहाँ पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी, और डेली यहाँ पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्पोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कॉम्पोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा एक महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए, जहाँ पर मैं आपको टोटल कॉम्पोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगा, जिसमें बिना सर्किट डायग्राम के कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पर, जो हमारा हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग नहीं आती है, अगर आपको CPU पहचानने नहीं आते हैं, अगर आपको टूल्स नहीं पता, अगर आपको ड्राइवर डालते नहीं आते हैं, तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आप एक महीने की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड रहता है, पर अलग से सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसकी हमारी हर महीने की 13 तारीख की क्लास होती है, आप उस सॉफ्टवेयर की क्लास में आ सकते हैं। वो 12-13 दिन की हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास होती है, जो डेली से 5-6 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम आपको सारे मोबाइलों की फ्लैशिंग प्रैक्टिकल बताएंगे, विद आपके साथ ही खुद के आपके खुद के साथ ही करवाएंगे, और जिसमें सारे मोबाइल फ़ोन के साथ में कौन सी फाइल यूज़ की जाती है, कौन कौन से मोबाइल में मोड यूज़ किए जाते हैं, और किस मोड पे क्या काम होता है, और कैसे ड्राइवर डाले जाते हैं, ड्राइवर कौन से आपको लेने चाहिए किसी मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग के बाद, FRP के बाद, या आप उसका बेसबैंड रिपेयर कर रहे हैं या उसका नेटवर्क रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर फ्लैशिंग के वक्त में जो एरर्स आते हैं उस पर आप कैसे उसको हटा सकते हैं, तो अगर आपको फ्लैशिंग का कोर्स करना है तो आप हर महीने का हमारा 13 तारीख का बैच लगता है, आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहां आइए, बेहतर तरीके से सीखिए और एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रोफेशनल कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं कि पूरे साल भर से पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसे टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था, जो कि एक प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सिर्फ गूगल पे डालिए देवतन अग्रवाल, तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप से मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10 तारखेला लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल हरे ऍप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसे टेलीकॉम सर्च करें, एसे टेलीकॉम लिखें, और एसे टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। एंड ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।